हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। रैप्टी मोटर्स जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट की ये कंपनी है, ये अपनी एक मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में जल्दी लॉन्च करने वाली है, क्योंकि इस कंपनी की जो मोटरसाइकिल है वो टेस्टिंग के दौरान अभी देखा गया है और कंपनी कुछ टाइम पहले इसका टीजर इमेज भी सामने लाया था। हालांकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा झलक देखने को मिलेगी और इसको ऑटो एक्सपो 2020 में रिवील भी किया गया था। इस बाइक में रेंज जो ट्रू रेंज बताई जा रही है वो कंपनी की तरफ से 150 किलोमीटर पर चार्ज की बताई जा रही है और लुक तो पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन इस इमेज में आप इसका झलक देख सकते हैं कि स्पोर्टियर सेगमेंट में ये बाइक होने वाली है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट भी देखने को मिल जाती है दो लेवल की, पीछे आपको ग्रेवियर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसका हेडलैम्प सेक्शन भी काफी आपको यूनिक और स्पोर्टियर सेगमेंट में जो बाइक आती है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें TFT डिस्प्ले भी दी गई है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आएगी। इसका आप इंटरफेस यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक बाइक काफी फास्ट होने वाली है, क्योंकि कंपनी के द्वारा बताया गया है इसकी जो टॉप स्पीड है 135 kmph तक है और 0-60 kmph तक रफ्तार मात्र 3.5 सेकंड में पकड़ लेती है और 0-80% चार्ज भी ये 45 मिनट में हो जाएगी। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस आपको कंपनी की तरफ से ऑफिशियल बताई गई है, तो ये सारी आपको इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। आने वाले समय में इस कंपनी इसको लॉन्च करेगी जो कि रैप्टी कंपनी है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। इस कंपनी का नाम मैंने भी अभी जल्दी सुना है तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए, जिससे कि आपको पता चल सके। इसके अलावा कंपनी ने यह भी बताया है कि जीरो मेंटेनेंस वाली ये बाइक होगी, जिसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब लॉन्च होगी उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग क्या होगी ये भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल 150 किलोमीटर पर चार्ज की रियल रेंज मिल रही है, तो इस हिसाब से इंडियन मार्केट में टॉर्क क्रेटोस, ओवन रॉयर जैसे इलेक्ट्रिक बाइक को ये टक्कर दे सकती है। तो फिलहाल लॉन्चिंग डेट अभी नहीं आई है, लेकिन जल्दी 2023 तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रा वॉलेट F77 को भी कंपनी इस महीने लॉन्च करने वाली है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इस वीडियो में बस आपको इतनी जानकारी देनी थी इस बाइक के बारे में। अगर आपको इस बाइक के बारे में पहले से नहीं पता था तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अगर आपको इस बाइक के बारे में पहले से ही पता है तो भी आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।